तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने का सोच रहा था कि मैं बीएससी के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन तबीयत ख़राब और बिजी रहने के चलते मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी भी देख सकते हैं आप मेरी हालत कैसी हो रही है। लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर दिया है द पावर सीरीज ऑफ मेथड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो पेपर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, वो है पावर सीरीज मेथड। पावर सीरीज मेथड में भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। द जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड। तो हम ये जनरल मेथड, सामान्य विधि, जो पावर सीरीज घात श्रेणी विधि से क्वेश्चन को हल करने की सामान्य विधि के द्वारा हम इनको करेंगे, फिर आगे लेवल को बढ़ाएंगे। ये आपको 2 नंबर में, ये आराम से 2 या 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा बीएससी मैथमेटिक्स में, इनमें से ही। और अगर आपने ये 3 कर लिए तो आपका ये बेसिक हो जाएगा पावर सीरीज मेथड का, फिर आगे आप हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए आप शुरू करते हैं इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो नंबर 1 है, dy/dx − y = 0, इसको मैं लिख लेता हूँ dy/dx − y = 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कराने का मतलब दोस्तों मेरा बस यही है कि आपको जो पावर सीरीज मेथड है वो आने लगे, क्योंकि अब इस क्वेश्चन का 2 नंबर में आने के चांस भी हैं। और मेरा मीन्स, मैं इस मीन से करा रहा हूँ कि अगर आपको आगे मैं बड़े क्वेश्चन कराऊँ, जैसे 4x²d²y/dx² + 2dy/dx + y = 0, इस तरीके के, तो ये क्वेश्चन आपको आए, आसानी से आए, इसलिए मैं ये आपको छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, dy/dx जी हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन, जी हमारा क्वेश्चन है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखिए, जो हम एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो हमारी घात श्रेणी होती है, जो हमारी घात श्रेणी होती है, या हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं जो पावर सीरीज होती है हमारी, पावर सीरीज वो क्या होती है, देखिए वो इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, समेशन r→0∞ ARx^r, ठीक है। और कुछ लोग इसे m के फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो आप ये कंफ्यूज में, तो ये m→0∞ AmxM, कुछ लोग c के फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो ये अलग अलग तरीका हो सकता है सबका लिखने का। तो हमारी जो घात श्रेणी होती है, जो घात श्रेणी वो इस तरीके से होती है, और इसे जब हम खोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से खुलती है। देखिए, r की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, r की जगह पे अगर हम 0 रखें, देखिए 0 से इन्फिनिटी तक रखना है हमें, किसमें, इसमें, तो r की जगह आप 0 रखेंगे तो a₀ x^0 + r₁ रखें, देखिए x की पावर 0 हो तो उसका क्या होता है, 1, y की पावर भी 0 हो तो 1, 2 की पावर भी 0 हो तो 1, किसी की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए हम x₀ को नहीं लिखेंगे, और x₀ क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। प्लस अब एक्स आर की जगह 1 रखें, क्योंकि इन्फिनिटी तक रखना है, 0 to infinity, तो आर की जगह 1 रख देते हैं, तो a₁ x^1, तो x^1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है। फिर प्लस में आता है 2 रखें, a₂ x^2 प्लस n तक रखते हैं हम, ठीक है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का तो हम पता नहीं, लेकिन हम इसे n मान के चलते हैं, तो n तक भी रख सकते हैं, तो r→0 से लेकर आप, तो अगर हम n टर्म रखें तो an x^n आ जाता है, ये हमारा लास्ट टर्म होता है। तो घात श्रेणी का मतलब ये होता है, घात श्रेणी मतलब कुछ नहीं होती, जो हम 11th 12th में जो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम 11th 12th में हमने जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में किए हैं, उन मेथड से नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इस पावर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एन टर्म्स होते हैं तो इनके लिए हम एक सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम घात श्रेणी या पावर सीरीज कहते हैं, तो जिसमें पावर बढ़ती जाती है, पावर का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे पावर सीरीज कहते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें, समीकरण 1 का श्रेणी हल है वो क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, y बराबर में मान के लिखते हैं हम इसे, क्या होता है, r→0 से लेकर इन्फिनिटी, तो ठीक है।
तो यहाँ पे हम चल मार इन्फिनिटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जो होता है वो हमारा होता है ए आर एक्स की पावर एम। ये बेसिकली एक्स की पावर ए आर क्या है, ये जो हमारा कोई अचर है और एक्स जो ए हमारा, ये ए हमारा ए कोई अचर है जिसमें हम 1, 2, 3 इस तरीके की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर आर ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी वेल पावर सीरीज होती है और इसे हम खोलते हैं। इसे अगर हम खोल कर लिखना चाहें तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, जीरो रखेंगे तो हो जाएगा ए जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि एक्स की पावर 0 1। फिर हम 1 रखें तो ए 1 एक्स एक्स हो जाएगा, फिर प्लस आर की जगह पर 2 रखें तो ए 2 एक्स की आर की जगह 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए 3 रखें और एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ए 4 रखें एक्स 4 हो जाएगा, प्लस डेड 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 डेस और प्लस यहाँ पे अब देखिए एन रख देते हैं आप, ठीक है, तो ए एन रखें एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। बस इतना समझ में आया, आप कुछ नहीं किया, बस जो पावर सीरीज मेथड मानी थी उसे हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक तो बाय चाहिए, तो बाय हमारा मिल चुका है, ठीक है, और एक क्या चाहिए हमारा, बाय तो हमारा ये आ चुका है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो बाय को डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है बाय का अवकलन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण एक का अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हम समीकरण एक का अवकलन कर देते हैं, तो बाय का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बाय का हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकलन करना तो आपको आता ही होगा, जैसे बाय का करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, और अगर एक्स का करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे और आगे की बात जानते हैं, तो देखिए इस चीज़ का तो हम अवकलन कर नहीं सकते, इसलिए हम इसके जो खुला वाला रूप है वो लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जीरो हम जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स में जो अचर होता है सी उसका अवकलन क्या होता है जीरो, तो मतलब कि अचर का जो अवकलन होता है वो हमें जीरो होता है। तो ये क्या है अचर है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स नहीं है तो इसका क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। प्लस ए वन एक्स का हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स और एक्स का क्या हो जाता है वन, तो हमारा एक्स का अवकलन क्या होता है वन, इसलिए वन और इनटू एक्स की जगह आप क्या हो गई वन। ए वन ऐसा कैसा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ए टू ऐसा कैसा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का होता है, जो हमारा फॉर्मूला है एन आगे आ जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है, ठीक है। तो उसी ये फॉर्मूला ही इसमें इस वाले में हमारा लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 आगे आ गया एक्स और 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम हुआ तो 1 बचा, इसलिए हमने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर प्लस, फिर देखिए आगे करते हैं प्लस 3 में, तो 3 आ जाएगा, ए 3 कॉन्स्टेंट है इसलिए ऐसा कैसा रहेगा 1 कम हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचा। प्लस 4 आगे आ जाएगा, ए 4 कॉन्स्टेंट है एक्स क्यूब बचा। प्लस डेड 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 डेस प्लस एन आगे आ जाएगा ए एन और एक्स की पावर एन में से 1 कम हो जाएगा और ये इक्वेशन 3 आई हमारी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया हमने, बस ये 3 आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं। तो अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है इनके मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 और 3 के मान, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो जल्दी की वजह से मैं उतना शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है हमारा समीकरण 1, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा और माइनस बाय बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कित ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन और तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है ये है, तो मैं 0 को तो लिखूंगा नहीं, ए वन से लिखना स्टार्ट करूंगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस 2 ए टू एक्स, ठीक है, प्लस 3 ए 3 एक्स स्क्वायर, प्लस 4
4a4xq, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 4a4xq, ये वाली सॉरी, ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम इसमें nth टर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हैगा, ये देखिए इसमें nth टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसके 4 तक ही ले लेते हैं और प्लस प्लस डट 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 डस करके इसे ब्रेकेट में लिख देते हैं। nth टर्म की इसमें हमने ज़रूरत नहीं, nth टर्म की ज़रूरत कब पड़ती है, तब हम रेगोरेंस फार्मूला बनाते हैं, इसमें हमें रेगोरेंस फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये लिया। अब देखिए माइनस कौन सी वाली, ये बाय, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी पहले तो ये, ठीक है, अब बाई की वैल्यू और रख देते हैं ये, ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या है, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू, ठीक है, ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स, ये हमारी क्या हो गई, बाई की वैल्यू हो गई, ये हमने बाई की वैल्यू रख दी है, कुछ नहीं किया जी। डी वाई अपॉन डी एक्स जी हमारे गिवन इक्वेशन थी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई बराबर जीरो, इसमें हमने ये वैल्यू रख दी। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब आगे सॉल्व करने के लिए इसको, इस वाली स्टेप को मैं मिटा देता हूँ। देखिए आप, अब क्या करना है, अब जो हमारा ए वन ये है तो बराबर में क्या मान के चलते हैं, एक बात याद रखें, यहाँ पर जो पावर सीरीज मेथड होती है उसमें बराबर में हम जीरो मान के चलते हैं, क्वेश्चन में हमारा डी वाई बाय बराबर जीरो है तो हमने ए बराबर में जीरो मान के चलें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए वन प्लस टू ए टू एक्स, इस वाले को ऐसा ही ऐसा लिखना है, प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए फोर एक्स क्यू प्लस, ठीक है, इसका आप जी बाकी के जी डेड डेस का काम ख़त्म हो गया, ठीक है, माइनस इसको हम खोल देते हैं, इसको हम जब खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स क्यू माइनस ए फोर एक्स फोर बराबर ज़ीरो, कुछ नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब देखिए ए वन माइनस ए ज़ीरो, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ए वन माइनस ए ज़ीरो को प्लस एक्स एक्स कॉमन, एक्स एक्स कॉमन किस में आ रहा है, देखिए इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, तो इन दोनों से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लूँगा तो टू ए टू बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ए वन बचेगा अगर मैं एक्स कॉमन लूँगा तो, ठीक है, प्लस में अब मैं यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे थ्री ए थ्री बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस ए टू बचेगा अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो, और यहाँ पे मैं एक्स क्यू कॉमन ले लूँगा, ठीक है, प्लस एक्स क्यू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फोर ए फोर और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए थ्री, और ये मैं एक्स क्यू कॉमन ले लिया, और अगर एक्स फोर कॉमन लेना चाहें तो आए एक्स क्यू तक ही लेना है, ठीक है, तो माइनस ए थ्री एक्स क्यू ए फोर एक्स फोर, ठीक है, तो इतना आपको आया। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पे जो हमने बाकी की जो टर्म नहीं लिए थे, जो डेड 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 डेस और ये डेड डेड डेस लगे थे, तो इसको भूलना नहीं है, इसको भी हम डेड डेड डेस करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस करके डेड 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 डेस बराबर भी जीरो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप डेड डेड डेस को भी लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है कहाँ तक हमारे टर्म जा रहे हैं, इसलिए वैसे आप छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम स्टार्टिंग से ही टर्म मांगते आए हैं तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है, मैंने मिस कर दिया था। चलिए अब आगे करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग टर्म को हमें जीरो के इक्वल में रखना है, तो देखिए इस वाली को ए वन माइनस ए ज़ीरो, इसको अगर हम जीरो के इक्वल में रख दें, ठीक है, क्योंकि सबके इक्वल में जीरो है, इसलिए इस वाली को देखिए टू ए टू माइनस ए वन एक्स इक्वल हम जीरो रख दें, ठीक है, इनको जीरो रख दें, ठीक है, फिर देखिए थ्री ए थ्री माइनस ए टू बराबर जीरो, फोर ए फोर माइनस ए क्यू बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या होगा, ए वन अगर जीरो ए जीरो को पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए वन उस साइड जाएगा, ए वन इस साइड चला गया और ये टू अपॉन में पहुँच गया डिवाइड में, तो ए टू बराबर क्या हो गया, ए वन अपॉन टू, और ये थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ए टू अपॉन थ्री, थ्री डिवाइड में आ गया, ठीक है, और ये ए फोर बराबर क्या हो जाएगा, ए थ्री अपॉन फोर, इतना समझ में आया। देखिए अब आगे करते हैं,
अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको दिख रही होगी कि ए वन बराबर तो है ए जीरो, ठीक है, ए वन बराबर तो है ए जीरो, लेकिन यहाँ पे देखिए ए टू बराबर ए वन दिया है, तो यहाँ पे हम ए वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए जीरो लिख सकते हैं, तो ए वन की जगह पर हम ए जीरो लिख दें। कैसे, ए वन की जगह पर इससे हमने ए जीरो लिख दिया, ए वन की वैल्यू क्या दी है ए जीरो, इसलिए ए वन की जगह पर हमने ए जीरो रख दिया, तो ए टू की जो नई वैल्यू मिली, जो मेन वैल्यू, वो हमें ये मिल गई। इसी तरीके से ये थ्री की वैल्यू में करेंगे, देखिए ए थ्री की वैल्यू में, ठीक है, ए टू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए टू की जगह पर ए जीरो अपॉन टू, तो ए टू की जगह पर ए जीरो अपॉन टू, और ये थ्री पहले से ही है, ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब मैं थोड़ा इसमें बताऊँगा आगे चल के, ठीक है, और ये फोर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए थ्री की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए टू अपॉन ए थ्री की जगह पर हम ये वाली नई वैल्यू रख सकते हैं, तो ये थ्री की जगह आप ए जीरो अपॉन ये टू इंटू थ्री, और ये फोर पहले से ही है, तो ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो ए जीरो अपॉन टू अपॉन थ्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए जीरो अपॉन फैक्टोरियल थ्री। फैक्टोरियल थ्री का मतलब है कि इसे इस तरीके से खोलना, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो बन तो कुछ में नहीं, तो इंटू में बन तो होता ही है, इसलिए मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल थ्री, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये फैक्टोरियल थ्री लिख सकता हूँ इसको, और इस वाली चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए जीरो अपॉन इस वाली चीज़ को लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल फोर, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में, इसे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल टू, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इतना, आई होप मैं बहुत लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़रूर समझ में आया। तो इन सब के जो ए टू ए टू ए थ्री ए फोर और जी ए वन, ए वन बराबर ए जीरो, इन सब की वैल्यू हम समीकरण एक में उठा के रख देते हैं, वो हमारा जो समीकरण एक था उसमें उठा के हम इन चीज़ की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर के मान समीकरण एक में रखने पर, तो ये ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर के मान अगर हम समीकरण एक में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं समीकरण एक लिख दूँ, पहले एक लाइन में यहाँ पे मैं समीकरण एक लिख दूँ, जो हमारा समीकरण एक था वो था बाय बराबर समीशन वाला, अब मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स फोर प्लस डेट डेट डेट, ये जो हमारा क्या था, ये समीकरण एक था हमारा, ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ समीकरण एक था, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो बाय बराबर ए जीरो की जगह पर ए जीरो की वैल्यू हमें निकली नहीं है, तो इसलिए ए जीरो पे ए जीरो, ए वन की जगह पर ए वन की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे ए जीरो, तो ए वन की जगह पर मैं क्या लग देता हूँ ए जीरो, और एक्स हमारा पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए टू की जगह पर कितने रख सकते हैं ए जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू, ए टू की जगह पर ए जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, ए थ्री की जगह पर ए जीरो अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और ये एक्स क्यू ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस ए फोर की जगह पे ए जीरो अपॉन फैक्टोरियल फोर, और प्लस एक्स फोर ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये डेट 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 डेट, ठीक है, बस क्या था, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमारा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप साथ साथ में रिपीट करते जाएँ, फिर आगे से हम फर्स्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बहुत ही लो लेवल से समझाया, ठीक है। तो देखिए बाय बराबर इतना आया, तो अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम इसमें से ए जीरो ए जीरो ए जीरो ए जीरो है सब में, तो हम सब में से ए जीरो हम कॉमन ले लेते हैं, ये अलग स्टेप है और ये अलग है, नहीं आप सोचो, ठीक है, सब में से ए जीरो कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, बाय बराबर ए जीरो अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे वन बचा, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस, यहाँ पे क्या बचा एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस, यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, क्योंकि ए जीरो बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या बचा एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस डेड 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 डैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ए जीरो ये आंसर ही हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखें, ये जो वैल्यू होती है वो हमारी ई की पावर एक्स की वैल्यू होती है, ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या कहती है, ई की पावर एक्स बराबर
समेशन m टेन टू जीरो से इन्फिनिटी x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर m की जगह आप जीरो रखें तो x हो जाएगा, और फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, वन, तो वन हो जाएगा। और x m की जगह आप जीरो रखेंगे तो x किसी की भी पावर जीरो मतलब वन, तो कुल मिला के वन हो गया। और अगर हम वन रखें तो प्लस x हो जाएगा, और अगर टू रखें m की जगह पे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये फैक्टोरियल टू प्लस डेड डेड। इसलिए हम जो हमारी ये वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू एक क्या होती है, हमारी e की पावर x की ये वैल्यू होती है। तो जो ये बाय बराबर e की पावर x है, यही हमारा आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए।